हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आरबी गेम कैचडी और स्वागत है आपका रोहित शर्मा कैरम मोड के एपिसोड नंबर 45 में। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच चल रहा था, इससे पहले पाकिस्तान के साथ एक हुआ था, वहाँ पे जीत चुके हम और ये भी जीतना जरूरी है वरना इस लीग से बाहर हो जाएंगे। तो अभी तक तो सब कुछ हमारे पक्ष में, 133 पे ऑल आउट कर देता है श्रीलंका को फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में इंडिया ने 228 बनाए, जिसमें से 93 जो थे वो रोहित शर्मा ने बनाए थे मात्र 40 गेंदों में। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इनिंग्स की तरफ, देखते हैं जी यहाँ पे और कितने रन बना पाती है श्रीलंका की टीम। तो श्रीलंका की टीम 112 पे हो चुकी है जी ऑल आउट, यानी कि अभी तो जस्ट कुछ ही रन चाहिए हमको आई थिंक इस मैच को जीतने के लिए। वो देख लेते हैं कितने रन चाहिए हमको। लेकिन उससे पहले ये ग्लिच है इस गेम में आई थिंक कोई की, सेकंड इनिंग में अगर हम टेस्ट कर ले तो फिर वो चेंज हो जाता है नेम, रोहित से बलराज हो जाता है। मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, मतलब मैं खुद हैरान हूँ यार ये कैसे हो सकता है ऐसे। मतलब ये देखो बलराज 24 लिखा गया यहाँ पे, हालांकि रोहित शर्मा का कैरम बोर्ड हम खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से इस लीग में कोई ग्लिच है या इस गेम में है कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑटो प्ले में जो है वो ऑटोमेटिकली हो गया, मैं नॉन स्ट्राइक एंड पे था और जीत के जस्ट 8 रन चाहिए थे हमको। तो ये मुकाबला तो जीत चुकी टीम इंडिया 8 विकेट के साथ, काफ़ी बड़ी जीत। अब चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। यहाँ से तो नेक्स्ट मैच है साउथ अफ्रीका के साथ में, श्रीलंका को हराने के बाद अब साउथ अफ्रीका की बारी। यहाँ से तो यहाँ पे टॉस हार चुके हैं कैप्टन और बॉलिंग का निर्णय ओपनर कैप्टन ने लिया, यानी कि हमको बल्लेबाजी जो वो करनी पड़ेगी शुरुआत में। तो चलिए जी रोहित शर्मा तैयार हैं एक बार फिर से। आप देखिए रोहित शर्मा नाम फिर से सही हो गया पहली इनिंग में। तो फुल क्वायर जो है वो आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद और डॉट गेंद, यहाँ दूसरी गेंद, एक थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद कह सकते हैं हम, और हवा में ये काफ़ी अर्ली खेल दिए थे हम, भागे हैं जस्ट सिंगल के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट ओवर की शुरुआत। यहाँ पे पहले ओवर में जस्ट 2 ही रन आए यहाँ से और यहाँ पे भी सिंगल ही आएगा अभी तो। ओके चलिए नेक्स्ट 2 गेंदें इस ओवर की बची हुई हैं, यहाँ पे भी सिंगल जस्ट और बिल्कुल 2 मिल सकते हैं वैसे और नहीं। ओके चलिए चौथी गेंद, शॉट अच्छा है भाई, हवा में भी है। अब यार इतना स्लो मोशन में क्यों जा रहा था ये शॉट, मतलब हद होती है यार इतना स्लो मोशन में शॉट कैसे जा सकती है गेंद कहीं, और इजी कैच वहाँ पे रोहित शर्मा फिर से आउट हो गए। तो चलिए जी 193 10 विकेट के नुकसान पे आउट हो चुकी टीम इंडिया। दूसरा दिन फिलहाल पहला सेशन चल रहा है और जस्ट 5 रन बनाए रोहित शर्मा ने। तो गाइज 130 पे आउट हो चुकी है यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम, आई थिंक डे 3 चल रहा है, सेशन फर्स्ट है और अभी फिर से हमारी बारी आएगी, लेकिन रोहित शर्मा के रूप में नहीं बलराज के रूप में। तो लीजिए जनाब बलराज फिर से आ चुके हैं, एक इनिंग में रोहित खेलता है एक इनिंग में बलराज खेलता है, अब ये देखते हैं क्या रन बनाते। तो इंडिया के पास अभी 63 रन की लीड है यहाँ पे और देखते हैं कितना बढ़ा सकते हैं यहाँ पे हम इनको। चलिए नेक्स्ट बॉल स्टंप की लाइन में गेंद, सीधा खेला फिर से सिंगल के लिए, इस बार कवर की साइड में, देखते हैं यहाँ पे 2 मिल सकते हैं नहीं, या फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले। चलिए थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद मेरे हिसाब से, ओ बे नहीं ओ कैप में भाई साहब क्या बात है, बच गए यहाँ पे, मुझे लगा कैच ना हो जाए फिर से स्लो मोशन वाला। चलिए अब थोड़ी सी फील्डिंग खुली है कह सकते हैं हम, क्योंकि कैप्स ढूंढ सकते हैं अब यहाँ से हम दूसरा चौका बैक टू बैक। ओके नेक्स्ट बॉल लगी प्लेयर है वहाँ पे, लेकिन ये दूर रह जाएगा और गेंद जाएगी तीसरे चौके के लिए बैक टू बैक। तो चलेगा जब भी फाइनली लॉफ्ट मीटर हमको मिल चुका है तो उसका पूरा फायदा उठाएंगे, छक्का तो नहीं लेकिन चौका जरूर मिलेगा पहला लॉफ्टेड शॉट। ओहो स्टंप की लाइन में बिल्कुल सीधी गेंद और बीट होते तो फिर कुछ नहीं बचता यहाँ पे, जस्ट सिंगल ही आएगा। तो चलिए अब फिर से नेक्स्ट ओवर, ये गेंद अच्छा है शॉट भी अच्छा है, गोली की तरह जा रहा है कोई नहीं रोक पाएगा, एक और बाउंड्री, ग्राउंडेड शॉट्स भी जो हैं वो अब सही खेलने लगे हैं रोहित शर्मा, सिंगल ही आएगा। 12वां ओवर ही चल रहा है, 63 पे 2 है टीम इंडिया, ये गैप में है और फिर से तेज तरार शॉट ग्राउंडेड शॉट 4 रन के लिए। सेकंड इनिंग में बलराज अभी तक बहुत अच्छा खेल रहा है, और ये क्या है ये अजीब सा शॉट था, कैमरा एंगल भी अजीब था, लेकिन चलिए कुछ भी हो चौका यहाँ पर ही मिलेगा। इंडिया की तरफ से एक बार रोहित शर्मा खेल रहे हैं और एक बार हम खेल रहे हैं, और ये गैप है नहीं लेकिन प्लेयर पहुंच जाएगा, ओ नहीं पहुंच पाएगा वो दूर रह गया, और एक और ग्राउंडेड शॉट। ओके नेक्स्ट ओवर की शुरुआत, ओवर द विक, ओ नहीं मुझे लगा कि शायद बहुत लेट हो गया खेलने में, लेकिन 4 फिर से मिल जाएगा 47 आबाद बलराज, हालांकि है तो रोहित शर्मा ही, पता नहीं ग्लिच कैसे होगा, ये शॉट करा रहा है बॉस और ये चौका देके जाएगा, हाफ सेंचुरी भी देके जाएगा भाई, ये पता नहीं बलराज की हाफ सेंचुरी है या रोहित शर्मा के, लेकिन इंडिया के लिए आइए ये अच्छी बात है 268 स्ट्राइक रेट से।
ओके नेक्स्ट गेम 56 पे पहुंच चुके हैं, ये भी गैप में है, ये चौका तो नहीं लेकिन सिंगल देके जाएगी। ओके चलिए नेक्स्ट बॉल, रोहित शर्मा तैयार हैं। ओ ये परफेक्ट है, हेलीकॉप्टर शॉट टेस्ट मैच में, वाओ ब्यूटी। यहाँ पे पहला छक्का इस पारी का। ओके तो चलिए आखिरी गेंद इस ओवर की, ये भी चौका देके जाएगी जनाब, दो प्लेयर के बीच में से गेंद को निकाल दिया। चलिए 71 पे हैं अभी हम। ओके क्या गैप उतना भेद नहीं पाए, ना ही दम था शॉट में, एक इजी कैच कह सकते हो 30-40 सर्कल के अंदर। और यहाँ पे 255 रन बना दिए टीम इंडिया ने, हालांकि 71 रन बनाए थे बलराज ने। अब यार रोहित शर्मा कह लीजिए, देखते हैं क्या सुफिशेंट रह पाएंगे। तो गैस 264 रन चाहिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका को, और देखते हैं। और बिल्कुल आई थिंक ये क्या हुआ, आई थिंक जीत गई टीम इंडिया, यस ऑल आउट कर दिया जी हमने साउथ अफ्रीका को, और हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच बने यहाँ पे, मुझे लगे शायद हम बने। तो 121 रन से जो है वो टीम इंडिया इस मैच को जीत चुकी है। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं किसके साथ मुकाबला होगा हमारा, वो अगली वीडियो में पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।